नमस्कार राज्यर बात्या अपडेट को स्वागत करुछि मु शुभलक्ष्मी। बात्या दाना प्रभाव रे आज संध्यारु राज्य रे बदलिव पाग। आज उपकूल ओडिसा रे वर्षा सह पवन हेबार संभावना रहिछि। 24 और 25 तारीख रे उपकूल ओडिसा रे प्रबल वर्षा सह पवन रो बेग बढ़िव। तेबे आसंतु जानिबा बात्या उपकूल अतिक्रम करबा समय रे केउ जिल्ला रे केते रहिबो पवन रो बेग। बात्या दाना उपकूल अतिक्रम करबा समय रे जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिल्ला रे पवन रे बेग घंटा प्रति 110 किलोमीटर रही पारे। सेई परे मयूरभंज जिल्ला रे पवन रे बेग घंटा प्रति 80 रु 90 किलोमीटर रहिबो। पुरी और कटक रे घंटा प्रति 60 रु 80 किलोमीटर पवन हेबा को थिबा बेले जाजपुर खोर्धा ढेकानाल और केन्दुझर जिला समेत भुवनेश्वर रे पवन रे बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर रहिबार संभावना रहिछे। बात्या दाना प्रभाव रे आसंता काले 7टी जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। सही जिल्ला गुडी कहला जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जगतसिंहपुर और कटक। एही जिल्ला रे किछि स्थान रे 20 रु 30 सेंटीमीटर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा गभीर अभिपतटी आज सकाळे बात्यार परिणत होइछि। आसंता काली भीषण बात्यार रूप नै 24 तारीख राति किंबा 25 तारीख सकाळ मध्यरे लैंडफॉल करिवो। भीतर कडिकारु धामरा भीतर लैंडफॉल करिपारे बात्या दाना। तेबे एही अंचल भीतर ही बात्यार लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइपारे। तेबे पाणीपाग विज्ञानी कहिबा मुताबक भीतरकनिकार हेताल बंतरे बात्यार प्रकोप कमिजिव। 2021 रे होइथिबा बात्या यस भली बात्यार दानार प्रभाव रहिबो। तेबे उपकूल रे बात्या दाना दुर्बल होइजिबो बोली पाणीपाग विज्ञानी पूर्वानुमान करिछन्दि। तेबे कोहा जाइछि पूर्वरु पंजीरे वर्णित अछि जे एही बात्या भीषण रूप नै पारे। खडीरत्न पंजीकारे होइछि बात्या को नै पूर्वानुमान। पंजीकारे रहिछि बात्या संपर्क रे सूचना। राज्यर उपकूल अंचल रे पुरी कटक गोपालपुर कोणार्क अस्तरंग जाजपुर भुवनेश्वर नयागढ़ काकटपुर नियारी आदि स्थान रे चलित मास रे घूर्णी बात्या हेबा नै पंजीकारे उल्लेख रहिछि। प्रबल वायु प्रवाह सह सामुद्रिक झड़ महावात्या भली भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेबा नै पंजीकारे लेखा रहिछि। अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित जीव जगत जदि 15 दिन आगुरु आमे भविष्यत हेबाकु थिबा प्राकृतिक विपर्जय विषय रे जानि परुनाहु सेहि समय रे वर्ष वर्ष पूर्वरु पांजिरे एहा उल्लेख होइछि। जहां वर्तमान खडीरत्न पंजीकारे 196 पृष्ठ रे अछि जहां वर्तमान चर्चार विषय पाल्टिछि। आजिकु हजार हजार वर्ष धरि एनै ग्रह नक्षत्र आदि चरण को नै मुनि माने भविष्यत रे घटिथिबा घटना गुडीक विषय रे फलादेश करिछन्ति। तेबे एहाकु मानिबा न मानिबा निजर व्यक्तिगत कथा। तेबे एनै अधिक आलोचना देवदर्शी खडीरत्न को सह। तेबे सुनि नियंतु कोन कहउछन्ति पांजी रे वर्णित थिबा बात्या कथा। जय जगन्नाथ। मु देवदर्शी खडीरत्न गणनाकार असली खडीरत्न पंजिका। देखंतु पंजिका गणना जोटा करा जाए से ज्योतिष शास्त्र अनुसार करा जाए। ज्योतिष शास्त्र रे जेतेबे आमे पंजिका गणना करू सेटा आमर तीनोटी पार्ट रे गणना करा जाए। गोटे होची सिद्धांत गोटे संहिता एवं गोटे पुरा। सिद्धांत शास्त्र रे आपणकर ग्रह मानकर गति स्थिति चलन उदय अस्त ग्रहण अपराग ए सब आलोचना करा जाए। तार गणना करा जाए दृक्षित पद्धति रे। से सब गणना हेला परे जेतेबे ग्रह मानकर स्थिति अनुसार आमर कोण प्रभाव रहिबो ताहा मानव सभ्यता उपरे परिवेश उपरे आपणकर पशु पक्षी उद्भिद जगत उपरे ताहा आलोचना करा जाए। हजार हजार वर्ष पूर्वरु आमर मुनि ऋषि माने ए संबंध रे बहुत अध्ययन करिथिले एवं ताहा जेतेबे प्रत्यक्ष करि पाले सेमाने बहुत गुड़िए सूत्र प्रदान करिछन्ती जे एई कॉम्बिनेशन रे जदि ग्रह नक्षत्र रहिबे किंबा जेतेबे आमर मेष संक्रांति रे वर्ष आरंभ हबो एवं संक्रांति समय रे जेतेबे मास आरंभ हबो किंबा पूर्णिमा अमावस्या रे कोन सब कॉम्बिनेशन रहिले को भलिया परिस्थिति उपजिबो से संबंध रे तथ्य रहिछि। तो जेतेबे आमे ताकु आलोचना करू सेतेबेले आमनकर राजनैतिक परिस्थिति बात्या प्राकृतिक विपर्जय अर्थनीति ए सब संबंध रे युद्ध विभीषिका से सब संबंध रे तथ्य जना पड़े। तो वर्तमान जो संभाव्य बात्या आसी आमे से पद्धति रे ही गणना करा जाइथिला। आउ जेतेबेले आमर से देखा गला जे आपणकर अक्टोबर 17 रु 23 मध्यरे एवं तापरे 26 परे मध्ये तार प्रभाव रहिबो तो सेतेबेले सेटा आमे उल्लेख करा जाइथिला। या पूर्वरु मध्ये 1999 मध्ये मसिहारे जेतेबेले आपणकर महावात्या जोटा आपणकर
ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅସଲି ଖଡ଼ରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ପୁରା ତାରିଖ ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫନି ଫାଇଲିନ୍ ହୁଡ଼ୁଡ଼ ସବୁର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ତ ଏହା କେବଳ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାର ଉପାଦେୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସତର୍କ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ନ କରି ଆମେ କେବଳ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସତର୍କ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତିଟି ଆସିଛି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସହଜରେ ତାକୁ ପାର କରିପାରିବେ ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। तबे आपण माने सुनु थिले देवदासी खडीरत्नक प्रतिक्रिया तबे आगु को मध्ये अपडेट खबर जारी रहिबो रहूची नमस्कार।